हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए सिवई की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिली खिली बनकर तैयार होती हैं। तो इस वीडियो में आपको हम सारे टिप्स बताएंगे एकदम परफेक्ट खिली खिली सिवई बनाने के लिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम पतली वाली सिवई ली है। अब हम इन्हें इनके दो टुकड़ों में इन्हें तोड़ लेते हैं। इन्हें हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है और बाद में इन्हें हम और छोटा करेंगे। तो इसे हम कढ़ाई में छोटा करेंगे जिससे हम फ्राई करेंगे, जिससे कि आसानी से हो जाएंगी। तो मैंने बस इन्हें 2 से 3 ही बार तोड़ लिया है। तो इन्हें हमने अच्छे से तोड़ कर तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी गर्म करें। घी को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब जो हमने सिवई तोड़कर रखी थी वो इसमें हमें डाल देना है और साथ में इसे पलटते भी जाना है। और गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है और इसे हमें कलछी की मदद से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो ये बहुत आसानी से टूट जाती है। साथ में इसे लगातार चलाते भी जाए। इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच मैंने काजू ऐड किए हैं। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इसे हमें लो फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो सिवई हमारी भूनकर तैयार हो गई है। और जो साइड में सिवई लगी है उन्हें चम्मच की मदद से हटा दें। और अब हम इसमें 1 कप मलाई सहित दूध डाल देते हैं। तो फुल क्रीम दूध मैंने इस्तेमाल किया है और इसे हमें अच्छे से मिला देना है। तो इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मलाई डाल देते हैं और इसे भी हमें अच्छे से मिला देना है। और इसे हमें अब ढककर लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। और बीच बीच में इसे हमें चलाते भी जाना है। तो सिवई देखिए हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। इन्हें एक बार हमें फिर से मिला देते हैं। अब हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डाल दें। इसमें पाउडर शुगर का ही इस्तेमाल करना है और इसे हमें अच्छी तरीके से मिला देना है। और साथ में इसमें हमें 4 से 5 इलायची का पाउडर भी ऐड कर देना है। और साथ में 2 चम्मच केवड़ा वाटर ऐड कर दें और इसे हमें अच्छे से मिला देना है। चीनी को हमने इसमें अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर देते हैं। इसे भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हमारे बढ़िया से खिले खिले सिवई बनकर तैयार हैं। और इसे हमें फोक की मदद से अलग कर देना है। आप चाहें तो इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए ये रेसिपी, बहुत ही खिले खिले और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। हमारी खिली खिली सी सिवई बनकर तैयार है। तो आप भी बनाइए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।